बॉलीवुड डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर हाल ही में कानून कोर्ट के चक्कर काटने पर मजबूर हुए। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा करण जौहर ने खटखटाया। इसके पीछे का कारण है शादी के डायरेक्टर करण और जौहर के मेकर्स का ये फैसला, जिसे करण काफी रहे चौक कन्या। करण जौहर ने लॉसूट फाइल किया मेकर्स के खिलाफ और इस तरह के उनके नाम का गलत तरीके से इस्तेमाल, जी हाँ, इलीगली इस्तेमाल, बिना ऑथराइजेशन का इस्तेमाल करना करण को पसंद नहीं आया। मेकर ने शादी के डायरेक्टर करण और जौहर जब टाइटल दिया तो इससे करण काफ़ी निराश हुए। बॉम्बे हाई कोर्ट में वो पहुँचे और मेकर्स के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का भी फैसला आया है। तो यहाँ आपको बताना चाहेंगे 51 साल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज़ उठाई है सोशल मीडिया के भी ज़रिए, और इसके बाद ये मामला काफ़ी गंभीर हुआ जब अपकमिंग इलीगल तरीके से करण जौहर के नाम का इस्तेमाल करने वाले टाइटल के लिए मेकर्स निशाने पर आए। तो इस मामले पर कोर्ट में अप्रोच किया गया और इसके बाद करण जौहर के नाम को अनऑथराइज तरीके से इस्तेमाल के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी मेकर्स को निशाने पर लिया। बता दें ये मामला 14 जून 2024 को खुलकर सामने आया है। जी हाँ, आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में बता दें कि करण जौहर के लॉसूट को रिस्पॉन्ड किया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने और इसके बाद इस फिल्म के टाइटल के लिए आवाज़ उठाई गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर भेजा है मेकर्स को कि आखिर उन्होंने ये नाम क्यों इस्तेमाल किया, इस पर वो सफाई दे, और ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ। ये कहना है कोर्ट का जस्टिस आर आई चाकला ने मेंशन किया, इस तरह की फिल्म रिलीज नहीं कर सकते हैं थिएटर पर जिसमें करण का नाम इस तरीके से इस्तेमाल किया गया हो। नेक्स्ट 9 लाइव स्ट्रिप्ट की रिपोर्ट।